थोड़ा सा खाते थे, ना कोई गाड़ियों के खर्चे थे, ना कोई घरों में एसी लगे हुए थे, ना कोई टीवी थे, ना बिजली के बिल आते थे। देर से सोना, टीवी था ही नहीं, क्या करेंगे बेचारे, कितनी गल्ला करेंगे। 8 बजे लोग 9 बजे सो ही जाते थे। वो सुकून था जिंदगी में। आज वही सुकून हमें वापस अगर चाहिए और हम अपने बच्चों को एक अच्छा रास्ता देना चाहते हैं, तो हमें वो दोबारा उस सतयुग में जाना ही पड़ेगा। और कलयुग को ख़त्म करने के लिए हमें अपना पहला कदम संगति बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी वो सतयुग दोबारा आएगा इस दुनिया में। वरना तो ये कलयुग क्या घोर कलयुग है कि जो लोग, वो बीमार क्यों है आज बच्चे, उनको क्यों है डिप्रेशन, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते ही नहीं है। कमरे में हर एक का कमरा अलग है। पहले क्या था, एक कमरे में 5 लोग सोते थे, आज हर 2 बच्चे हैं, दोनों के अलग अलग बेडरूम हैं, 4 लोग हैं, 5 गाड़ियां घर में, उन गाड़ियों का पेट्रोल करने के लिए दिन रात बेचारा आदमी काम कर रहा है, काम ही काम, तो क्या करेगा, डिप्रेशन में ही जाएगा ना। बच्चों को कहते हैं पढ़ लो, बच्चा कहता है कमरा बंद, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ अंदर क्या कर रहा है। अभी पीछे की बात है, एक जगह पे गई मैं, उस बच्चे ने मुझे क्या बताया, वो आंटी कहती है मेरा कहना नहीं मानता, आंटी ने पढ़ता नहीं है, इसके नंबर नहीं आ रहे, इसके बोर्ड के पेपर हैं। मैं कहा बेटे आप क्या करते हो? नहीं आंटी मैं कुछ नहीं करता। तो कहती है ना फ़ोन में लगा रहता है। नहीं नहीं मैं नहीं लगता। कह रही मैं, मेरे को पता है ये फ़ोन में लगा रहता है, मैं तेरे को देखती हूँ तू ऑनलाइन रहता है। तो पता है बच्चे ने अपनी माँ को क्या जवाब दिया, कह रहा है इसका मतलब आप भी तो ऑनलाइन होते हो, तभी आप मुझे देखते हो, मैं ऑनलाइन हूँ। क्या जवाब दिया उस बच्चे ने कि माँ खुद ही ऑनलाइन है, बच्चे को क्या बोलेगी तू 2:30 बजे तक मत सो। कहता है मम्मी आप भी तो ऑनलाइन होते हो, 2:30 बजे तक मुझे देख रहे हो। जो हम करेंगे ना उसका प्रभाव हमारे घर पे पड़ेगा। आप जैसे करोगे, आज मैं कल सोनिया आंटी को बोल रही थी रात को, आप कितना हंसते रहते हो, आप कितने खुश रहते हो, आपकी पिंकी है ना मेड, वो भी हंसती रहती है, वो ऑरा होता है, वो हंसती है, वो खुश रहती है, तो उनकी मेड भी खुश रहती है। ये सड़ी हुई रहेंगी तो उनकी मेड भी सड़ के काम करेगी। तो जैसे आप अपने रूटीन को बनाओगे ना, आपके बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। हमें कभी भी किसी को शिक्षा देने से पहले ना खुद वो काम करना चाहिए। अब मैं लोगों को अमृत वेले के लिए कहती हूँ ना, तो मैं अमृत वेला करती हूँ, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ते। हम कहीं भी जाएं, अमृतसर जाते हैं, सत्संग होता है, वहाँ भी कर ले, होटल में रहें होटल में भी हम कर लेते हैं। हम वही चीज़ हम कह सकते हैं जो हम करते होंगे, हम वो उपदेश दे ही नहीं सकते अगर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को अगर बनाना चाहते हो, अपनी अच्छा, एक अच्छा नागरिक आने वाले समय में दुनिया याद रखे और उसका स्वस्थ जीवन हो, स्वस्थ मन हो, खुशियाँ हो उसके जीवन में। मैंने ये देखा अभी जैसे आंटी ने कहा, अमृत वेला करने वाले बड़े खुश रहते हैं। पहले पहले हमें लगता था, मुझे ना कई लोग कहते सुबह आंटी जल्दी उठते हो, पूरा दिन चिड़चिड़े नहीं रहते हो। मैंने देखा है कई लोग ना सुबह जल्दी उठते हैं और कहीं बैठे होंगे ना, बात भी कर रहे होंगे, किट्टी में भी जाएंगे ना, वासियाँ मार रहे होंगे, और आंटियाँ औरतें कहेंगी क्या बात है तू रात को सोई नहीं है। अरे नहीं यार, आजकल मैं अमृत वेला करती हूँ, पहला एहसान भगवान पे एहसान। अरे यार क्या करूँ यार, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वो एक आंटी मिली बुलबुल आंटी, वो मेरे को पीछे पड़ी रहती है अमृत वेला करो। अब यहाँ भी मेरा इनाम खराब हो गया भैया देखो, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ना करना है तुमने, अब सुनाना भी है लोगों को। वैसे तो कहते हैं गुप्त पाठ होता है, ये करते हो ना, सुनाना उस, सुनाओ उसको, सुनाने से ये भी फर्क पड़ता है कि शायद उसका अमृत वेला बन जाए। लेकिन उस सुनाने में कभी अहंकार नहीं हो आपका कि मैं जल्दी उठता हूँ, मैं नहीं उठता, मुझे मेरा गुरु उठाता है, मेरी क्या औकात है। अब मेरे को तो ये लाइव जितनी संगत जुड़ी होती है इनकी वजह से मेरे को उठना पड़ता है, मैं तो गुरु जी साफ कहती हूँ जय गुरु जी।